हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन का विकास। बच्चों, भारतीय सभ्यता जो है वो संसार की सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता है। इसे चीनी एवं यूनानी सभ्यता की तुलना में अधिक प्राचीन स्वीकार किया जाता है। अर्थात हमारे जो प्राचीन सभ्यता है वो चीनी और यूनानी सभ्यता से भी प्राचीन है। जो प्राचीन समय से भारत को कई बार उत्थान एवं पतन का सामना करना पड़ा, इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में कई बड़े अंतराल दिखाई पड़ते हैं। फलतः प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन जो है वो सरल नहीं है। बच्चों, प्रायः ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत के जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, वो इतिहास लेखन के प्रति उदासीन थे। यूनान, रोम, चीन, मिस्र आदि जो प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति वाले देशों में इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो विकसित दिखाई देती है, किंतु भारत में इस प्रकार की परंपरा का अभाव है। किंतु यह कथन आंशिक सत्य है। अर्थात ये जो कथन है कि जो प्राचीन भारतीय भारत में इतिहास लेखन था वो विकसित रूप में नहीं था, जबकि मिस्र में, रोम में, यूनान में, चीन में जो प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति थी वो ज़्यादा विकसित थी। लेकिन जो ये सत्य है वो आंशिक रूप से है। बच्चों, यह ठीक है कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन की कला मालूम नहीं थी, किंतु इसी आधार पर यह कह देना गलत होगा कि भारत का जो का इतिहास अतीत ऐतिहासिक घटनाओं से शून्य था, ये गलत है। बच्चों, प्रोफेसर वार्डर, कौन? प्रोफेसर वार्डर ने अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास लेखन का परिचय, भारतीय इतिहास लेखन का परिचय में कहा है कि वैदिक काल से आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास में तारतम्यता है। अभी भी प्राचीन भारत का इतिहास पांडुलिपियों में बिखरा पड़ा है। बच्चों, यह तथ्य न केवल यूरोप में इतिहास एवं लेखन के सत्य के लिए सत्य है, अपितु भारत में भी इतिहास लेखन के विकास के लिए उतना ही प्रासंगिक है। भारत में भी क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक इतिहास लेखन का प्रारंभ इन्हीं शताब्दियों में हुआ, जब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई एवं कतिपय अंग्रेज विद्वानों यथा जैसे सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेस और जनरल कनिंघम आदि ने साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भारत के अतीत को कुरेदना प्रारंभ किया। बच्चों, प्राचीन भारतीय गौरव को लोगों के समक्ष इन लोगों ने प्रस्तुत किया। बच्चों, इसके पहले यह माना जाता था कि जो प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन के प्रति जागृति एवं अभिरुचि, इतिहास बोध और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति सजगता का वास्तविक अभाव था। भारतीय न केवल इतिहास लेखन की कला से अनभिज्ञ थे,
बल्कि इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण भी नकारात्मक था। बच्चों, डॉक्टर आरसी मजुमदार का मत है बच्चों, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजुमदार, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आरसी मजुमदार। बच्चों, आरसी मजुमदार का कथन है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की जो विमुखता भारतीय संस्कृति की भारी दोष है। बच्चों, मजुमदार का कथन है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की जो विमुखता थी वो भारतीय संस्कृति का भारी दोष है। इसका कारण बताना सरल नहीं है। भारतीयों ने साहित्य की अनेक शाखाओं से संबंध स्थापित किया और उनमें से कई विषयों में विशिष्टता भी प्राप्त की, किंतु फिर भी उन्होंने कभी गंभीरतापूर्वक इतिहास लेखन की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चों, अबू रेहान अल बरूनी तो तत्कालीन मध्य एशिया का सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्वान था, ने भी लगभग ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। यथा बच्चों, हिंदू घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिपिबद्ध करने में अत्यंत असावधानी से काम लेते हैं, और जब कभी ऐतिहासिक जानकारी के लिए उन पर दबाव डाला जाता है तो उतार देने में असमर्थ होने पर वे कोई कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास की संरचना में सबसे बड़ी कठिनाई जो है वो तिथि निर्धारण की है। ऐसी घटनाएं तिथि परक नहीं है। प्रोफेसर श्रीनिवास आयंगर ने ठीक ही कहा है कि यदि इतिहास की आंखें तिथियां हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को अंधा नहीं समझना चाहिए। बच्चों, श्रीनिवास आयंगर का कहना है कि यदि इतिहास जो है वो आंखें, इतिहास की जो आंखें हैं वो तिथियां हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को अंधा ही समझना चाहिए। निसंदेह सामाजिक इतिहास तो लिखा गया, किंतु राजनीतिक इतिहास के साथ इसका संबंध जोड़ना जो वो कठिन प्रतीत होता है। भारतीय इतिहास के संबंध में पहली जो ज्ञात तिथि है वो 325 से 26 BC, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चों, बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व। तभी पता चलती है जब ग्रीक ब्यूरो में सेंड्रोकोटस की समता भारतीय परंपरा के चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। यद्यपि यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि न केवल प्राचीन भारत में बल्कि प्राचीन मिस्र एवं चीन आदि देशों में भी आधुनिक संदर्भों में इतिहास लेखन कार्य नहीं हुआ। बच्चों, प्राचीन मिस्र में इतिहासकार कारण और प्रभाव के साथ इतिहास दर्शन का विकास करने में असमर्थ रहे। प्राचीन चीन में इतिहास लेखन ज्योतिष आदि अन्य विज्ञानों से भी प्रभावित था, जिसे हम विशुद्ध इतिहास लेखन नहीं मान सकते। बच्चों, भारतीय संदर्भ में यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। यह अन्य विज्ञानों यथा गणित, ज्योतिष, खगोल, चिकित्सा, रसायन, व्याकरण, यांत्रिक आदि का वैज्ञानिक विवरण हमें सुरक्षित प्राप्त हो जाता है। वह इतिहास एवं इतिहास लेखन के प्रति शून्य जैसी रिक्तता प्राप्त होती है। जबकि प्रत्येक शासक जो थे वो अपने दरबार में स्तुति पाठक एवं कथा लेखक या इतिहास लेखक रखता था, जिनका कार्य ही महत्वपूर्ण ब्यूरो को सुरक्षित रखना था। कुछ शासक तो अपने अभिलेखागार भी रखते थे, जैसे ह्यूएन सांग के ब्यूरो में भी इस बात का जिक्र है कि प्रत्येक प्रांत में इस तरह की व्यवस्था थी। बच्चों, कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र के माध्यम से इस तरह के अधिकारी के विषय में जानकारी प्रदान की है जो गुप्त अभिलेखों में महाकाशपटलिक नामक राजकीय अधिकारी का ब्यूरो है, जो अभिलेखक
का कार्य करता है। बच्चों, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहा है कि जो गुप्त अभिलेखों में महाकाशपटली, ये बच्चों राजकीय अधिकारी होते थे जो अभिलेखक का कार्य करते थे, और सांची एवं भरहुत के स्तूप भी जो है वो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। बच्चों, इस प्रकार इन सब तथ्यों से यह विदित होता है कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा थी, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया जाता था, परंतु आज इनकी अनुपलब्धता या जो आज प्राप्त नहीं है, अनेक प्रकार के अनुत्तरित, मतलब जिसका उत्तर नहीं है, प्रश्न पैदा करती है। आखिर इतिहास सामग्री का विनाश कैसे हुआ? संभवतः प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न आक्रमण एवं युद्ध, या फिर समय समय पर होने वाली क्रांतियां इस विनाश के लिए उत्तरदायी हैं, परंतु यह समाचीन नहीं मालूम होता। जहां तक भारतीयों की लेखन कला की जानकारी का संबंध है, वे अत्यंत प्राचीन काल से ही इसे परिचित थे। प्राचीन भारत में खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियाँ प्रचलित थी, और इन्हीं लिपियों में लेखन कार्य जो था वो संपादित होता था, परंतु चीन आदि देशों की तुलना में कागज़ का निर्माण तथा प्रयोग भारत में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। भारतीय लेखन कार्य के लिए भोजपत्र, ताम्रपत्र, लकड़ी या कपड़े का प्रयोग करते थे, जो काल क्रम में नष्ट हो चले गए। परंतु साथ ही हमें भृगु संहिता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भोजपत्र पर लिखी मूल प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जो अर्थशास्त्र का संपादित संस्करण 1908 में प्रकाशित हुआ था। अतः यह मानना है कि धर्म, दर्शन, राजनीति, कानून और साहित्य आदि के ग्रंथ तो सुरक्षित बचे रहे, किंतु ऐतिहासिक लेखन सामग्री पूर्ण रूप से विनाश हो गया, संभवतः जो नहीं है। बच्चों, इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्राचीन भारत में भारतीय, ग्रीक, रोमन, अरबों की भांति ऐतिहासिक लेखन परंपरा अथवा इतिहास के प्रति जागरूकता का विकास नहीं कर सके, ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर संभवतः समाज के पुरोहित वर्ग या बौद्धिक वर्ग, जिसने समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया, की मानसिकता एवं दिनचर्या में निहित है, जो आध्यात्मवाद में विश्वास करता था तथा जिनकी भाषा संस्कृत विशिष्ट भाषा का स्थान प्राप्त कर चुकी थी, जिसे जनसाधारण न तो समझा जा सकता था और न ही बोल सकता था। बच्चों, भारतीय सामाजिक संरचना में ब्राह्मण वर्ग का उदय और उनकी विशिष्ट स्थिति ने भारतीयों के इतिहास बोध को अत्यधिक प्रभावित किया। शिक्षक जो ब्राह्मण होता था एवं जिसकी भाषा संस्कृत थी, वह केवल ब्राह्मण एवं शासक वर्गों के हितों की सुरक्षा करता था, जन साधारण का नहीं। बच्चों, संस्कृत विशिष्ट वर्ग के लोगों का हित पोषण करती थी, सर्वसाधारण का नहीं। यही कारण है कि अशोक ने अपने जो अभिलेख को प्राकृत में लिखवाया, जिससे सर्वसाधारण उन्हें पढ़ एवं समझ सके, जिनके लिए ये तैयार किए गए थे, तत्पश्चात परिवर्तित परिस्थितियों में संस्कृत साहित्य विज्ञान, धर्म, दर्शन की भाषा तो बनी, परंतु इतिहास की नहीं। बाद में संस्कृत लेखक मिथक एवं वास्तविकता में अंतर नहीं कर सके, अर्थात मिथक एवं इतिहास में अंतर न करने, और उन्होंने इतिहास लेखन के साथ अन्याय किया, किंतु देवभाषा संस्कृत में लिखे गए साहित्य ने ऐतिहासिक जागरूकता एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो दिया, परंतु यह ग्रीक, रोमन, अरब अथवा चीन की दृष्टिकोण से सर्वथा जो था वो भिन्न था। बच्चों, प्राचीन भारत में हिंदुओं में इतिहास बोध के अभाव के संबंध में एक अभिमत हिंदुओं के जीवन दर्शन के संबंध में है, परंतु यह एक जटिल प्रक्रिया का अति सरलीकरण है, क्योंकि प्राचीन ग्रीस में भी जीवन दर्शन के प्रति उपयुक्त वैचारिक पृष्ठभूमि का अभाव था, और वहाँ इतिहास लेखन जैसी स्वस्थ परंपरा का विकास हुआ। बच्चों, अतः इस प्रकार के विरोधाभास के बावजूद प्राचीन ग्रीस में इतिहास एवं दर्शन दोनों ही प्राप्त होते हैं।